हमीरपुर के सुपर मैग्नेट पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों में उम्र के साथ आने वाले परिवर्तन व उस समय की चुनौतियों को कैसे निपटा जाए, इन सभी बातों पर विस्तार से जानकारी दी गई। संगोष्ठी के माध्यम से किशोर अवस्था में किस तरह बच्चों को आने वाली चुनौतियों से निपटा जाए, इस बारे में स्वास्थ्य विभाग ने पदाधिकारियों के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी। इस अवसर पर जिला जन शिक्षा एवं जन सूचना अधिकारी सतीश शुक्ला ने बच्चों को किशोर अवस्था में पेश आ रही समस्याओं की जानकारी भी दी। संगोष्ठी में स्कूल प्रबंधक शगुन शर्मा वाटिका सूद भी मौजूद रहे। हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा सुपर मैग्नेट स्कूल में एडोलेसेंट एज के जो आज के हमारे चैलेंजेस हैं और एडोलेसेंट एज में बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं और कैसे हमें इस एज में बच्चों को जो है वो गाइड करना है, किस तरह बच्चों को इस एज में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचना है, इसके बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक संगोष्ठी का जहाँ आयोजन किया गया, वहीं आज हमारे स्कूल में इस उपलक्ष्य पे भाषण प्रतियोगिता स्लोगन राइटिंग के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया गया। इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि एडोलेसेंट एज में जो हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट है और जिस तरह से आज हमारे समाज में जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो उसकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस जो आते हैं और जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आज किशोरावस्था के ऊपर पड़ रहा है, उसमें क्या हमारे पास आज के चैलेंजेस क्या हैं, उसके अंदर उसकी थ्योरी क्या रहती है और उसको हम कैसे बच्चों को जो है वो किशोरावस्था के अवस्था में किस तरह से हम उनको जो है वो सही लाइन पे ला सकते हैं, इसके ऊपर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस तरह के आयोजनों से बच्चों के साथ साथ जो अध्यापक हैं उनको भी इस बारे में पता लगता है कि इस अवस्था के बच्चों के साथ किस तरह से साइकोलॉजिकली डील करना है। तो मैं स्वास्थ्य विभाग का इस शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसका कार्यक्रम है, ये एक पूरे भारतवर्ष में किशोर और किशोरियों के लिए सेहत के लिए जो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम ये प्रतियोगिता का तो इसी तरह के कार्यक्रम पूरे जिला में जो लॉसेंट है उन्हें व्यापक जागरूकता के लिए कार्यक्रम ये देखा गया है कि 10 से 19 साल के बीच में बच्चों के अंदर कई तरह के बदलाव आते हैं, मानसिक है, सामाजिक है, शारीरिक है और उनको समझना जरूरी है। साथ में हम कहते हैं कि कुछ तरह के दबाव है, पीयर प्रेशर धर्म के साथियों का, पारिवारिक है, समाज का, इसकी वजह से बच्चों में कई तरह की बीमारियाँ और समस्याएँ पैदा होती हैं। दूसरी बात, इस उम्र में कुपोषण है या कुछ बड़ी बीमारियाँ, HIV एड्स है, एक्सीडेंट्स है, जैसे पैशन है बच्चों का या वायलेंस है, उस तरफ भी उनका जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो बेसिक कार्यक्रम क्या है कि बच्चों को सेल्स से क्यूरेटिव में भी जोड़ना, उपचार पद्धति से ये कार्यक्रम हमारा, जैसे कि हर अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक एक एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक खोले गए तो बच्चे उनसे जुड़ें और एक सलाह लें। दूसरा, अगर कोई समस्या है उनकी तो उसका इलाज किया जाए। और तीसरा, लगातार ये 7-8 जो उनकी बेसिक समस्याएं, गंभीर समस्याएं बन सकती हैं बाद में, उनके बारे में हम जागरूक करते हैं। तो 33% आबादी भारतवर्ष की, बहुत बड़ा भाग है ये, वो किशोर और किशोरियों का, और देखा गया है कि ये अनएड्रेस्ड रह जाता है, इसको ज़्यादातर सीरियसली हम लेते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों से हमारा ये बहुत बड़ा मकसद है कि बच्चों को भविष्य का नागरिक बनाना है, तो स्वास्थ्य के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट करें। दूसरा, इसी तरह से संस्थान जैसे आज सुपर मैग्नेट ने ये लीड लिया है, हमने जिला का ये पहला लॉन्चिंग जो हमारी सीमो साहिबा डॉक्टर अर्चना सोनी है उनके निर्देशानुसार जो सारी टीम हमारी हंडसर से लेकर जिला पर हम काम कर रहे हैं और मैं खुद ICU ब्यूरो जिला का देख रहा हूँ, तो ये जागरूकता के साथ साथ जो है उनकी समस्याओं को चिन्हित करना भी हमारा एक प्राथमिकता रहती है और निसंदेह इसके अच्छे परिणाम आने की संभावना है। आपको पता है कि एडोलेसेंस क्या होता है? तो जैसे ही मनुष्य पैदा होता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास होने लगता है। हमारे मनोविज्ञानी थे जयशेख, जिन्होंने एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था को परिभाषित करते हुए कहा कि किशोर अवस्था मानव जीवन की वह व्यवस्था है
जिसमें मानव ना तो बाल्य अवस्था में होता है और ना ही अपनी युवा अवस्था में। इसका मतलब है कि ना वो बहुत छोटा होता है और ना ही बहुत बड़ा हो गया होता है। तो इसका मतलब है किशोर अवस्था वो अवस्था है जिसमें मानव का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है। तो इसमें शारीरिक और मानसिक विकास होता है, मैंने बताया ना आपको। तो मतलब इसमें हमारे शारीरिक जो शारीरिक विकास होता है उसमें हमारे हार्मोन, सभी ने पढ़े ना हार्मोन के बारे में, तो हार्मोन का खराब होता है। तो अभी देखा जाए तो मैं भी एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था में हूँ, आप लोग भी किशोर अवस्था में हूँ। तो हमारे में ऐसे चेंजेस देखे आते हैं कि हमारे अपने अंगों के प्रति यानी अपने सौंदर्य के प्रति आकर्षण बढ़ता है, बढ़ता ही कि नहीं।